इस वीडियो में आज हम लोग साइंस के चैप्टर 12 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है लाइट एंड शेडोज। इस चैप्टर के अंदर में हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे कि लाइट क्या होता है, शेडोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोलर और लूनर इक्लिप्स क्या होता है, पिनहोल कैमरा क्या होता है, और हम लोग फाइनली ये भी देखेंगे कि इमेज में और शेडो में क्या डिफरेंस है। इससे पहले मैंने DAV क्लास 6 के जितने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, सभी आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर उन वीडियोस को देखना, और अगर वो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह DAV क्लास 6 के लिए वीडियोस आते रहते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक्स कवर करना है, और इन सारे टॉपिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक है, एक वीडियो में हो नहीं पाएगा। इसीलिए कुछ टॉपिक्स हम लोग एक वीडियो में कवर कर लेंगे और बचा हुआ टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू लाइट। लाइट एग्जैक्टली होता क्या है, इसका सोर्सेस क्या क्या है हमारे एनवायरमेंट में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइट के हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करेंगे कि कितने टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेडोज के बारे में, शेडोज क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शेडो, और शेडो का क्या क्या खासियत होता है, उसका स्पेशलिटी क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पिन होल कैमरा के बारे में कि ये क्या होता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कुछ बेसिक लॉज है रिफ्लेक्शन के। उसके बाद इमेज एंड शेडोज के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो सब हम लोग देखेंगे। हाँ, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे हमें लाइट के इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया गया कि हमारे डे टू डे लाइफ में लाइट का क्या इम्पॉर्टेंस है। यहाँ पे लिखा है, वी ऑल नो डैट इट इज़ आवर आइज डैट इनेबल अस टू सी एंड अप्रिशिएट द वेरी मेनी ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस सराउंडिंग अस। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो आँख है उसी के कारण से हम लोग अपने आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो। लेट अस हाउएवर पॉज एंड थिंक वेदर आवर आइज एलोन आर सफिशिएंट फॉर दिस पर्पस। क्या हमारा आइज, क्या हमारे आँख जो हैं, क्या वो अकेले किसी भी चीज़ को देखने लायक है, या उसको कुछ और भी चाहिए किसी चीज़ को देखने के लिए। तो अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे आइज के अलावा एक और चीज़ चाहिए जिसका नाम है लाइट, और जिसके बारे में ये पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। उसके बाद लिखा है, इमेजिन डैट वी आर इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम। आप इमेजिन करो कि आप पूरे डार्क रूम में हो। वी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी एंड डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन द रूम। बाकी के जो भी सामान आपके रूम में होंगे, अगर आप एक डार्क रूम में हो तो आपको नहीं दिखेगा वो। वी आर एबल टू डू डैट ओनली व्हेन द रूम इज इल्यूमिनेटेड। हम लोग सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को तभी देख पाएंगे अगर हमारे रूम में लाइट होगा, नहीं तो पूरा डार्कनेस में कुछ नहीं दिखेगा हमें। दिस मीन्स डैट इन एडिशन टू आवर आईज, इसका मतलब क्या हुआ कि आँख के अलावा हमें और क्या चाहिए, वी नीड टू हैव इल्यूमिनेशन और लाइट। हमें क्या चाहिए, चमक चाहिए। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, चमक। हमें लाइट चाहिए टू सी एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है उसको देखने के लिए हमारे आइज के अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज चाहिए उसका नाम है लाइट। अच्छा, लाइट के बारे में तो हमने एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि बाकी का एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वैसे लाइट भी एक टाइप का एनर्जी है जो कि हमें देखने में हेल्प करता है। और आजकल तो हम लोग लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है, वी यूजली से डैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एनर्जी का ही एक रूप है। डैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आइज, जिसके कारण हमारे आइज को फील होता है कि हम लोग कुछ देख पा रहे हैं। द सन इज द मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट डैट इमिट्स द लाइट ऑफ इट्स ऑन। सन जो है मेजर सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि इकलौता सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है हमारे लिए। स्टार्स आर ऑल्सो नोन एज टू इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन। स्टार्स भी जो होते हैं अपना लाइट खुद छोड़ते हैं, लेकिन उनका लाइट बहुत कम हमें मिलता है, सिर्फ वो रात में दिखाई देता है क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं। सोर्सेस ऑफ लाइट लाइक द सन और द स्टार्स विच इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड नेचुरल सोर्स। और ऐसे लाइट सोर्स जैसे कि सन हो गया, स्टार्स हो गया, जिसका अपना खुद का लाइट है, उसको हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है और एक क्या होता है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जो आदमी बनाता है, जो कि मैन मेड है। उसके बारे में यहाँ पे लिखा है,
ह्यूमंस हैव आल्सो बीन एबल टू डिजाइन एंड डेवलप अ नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट. लाइट सोर्सेस लाइक एलईडी, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब लाइट, सीएफएल एंड कैंडल्स आर आल्सो कॉल्ड मैनमेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ये सब जो सोर्सेस हो गए ये आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट हो गए. एलईडी, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इनके बारे में तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में. दिस सोर्सेस हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट और फेनोमिनन. इन सारे सोर्सेस से जो कि आर्टिफिशियल सोर्स है, इनके कारण हम लोग क्या देख पाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं या किसी फेनोमिनन को, यानी कि किसी भी प्रक्रिया को देख पाते हैं इनसाइड रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट और नो सनलाइट. जब इनसफिशिएंट यानी कि बहुत कम सनलाइट हो या नहीं के बराबर सनलाइट हो, तो हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट के कारण किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. सन और स्टार के अलावा कुछ और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जिनके बारे में यहाँ पे डू यू नो में बताया गया है. यहाँ पे लिखा है द फायरफ्लाई और जुगनू इमिट्स लाइट ऑफ इट्स ऑन. फायरफ्लाई जिसको हिंदी में हम लोग जुगनू बोलते हैं, इसका अपना लाइट होता है, ये अपना लाइट एमिट करता है. इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. देयर आर सम फिशेज विच ऑल्सो इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन. कुछ ऐसे फिशेज भी होते हैं जो कि आपको रात में चमकते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गए. अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है लाइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के सामने कैसा बिहेव करता है, उसके हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को तीन कैटेगरी में बांटते हैं. सबसे पहला जो कैटेगरी आता है वो आता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का, दूसरा कैटेगरी आता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स का, और तीसरा कैटेगरी आता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का. इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझाया गया है. पहला जो टाइप का ऑब्जेक्ट है वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट हम उन सारे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जिसके आर पर हम लोग इजिली देख पाते हो, और अगर दूसरे सेंटेंस में इसको बोले तो वैसे सारे ऑब्जेक्ट जिनके आर पर लाइट क्रॉस कर सकता हो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पे शीशा का एक टुकड़ा दिखाया गया है, इस शीशे के टुकड़े के आर पर हम लोग इजिली देख पाएंगे तो ये जो है ट्रांसपेरेंट कहलाएगा. और इस शीशे के टुकड़े के अगर उस पार अगर हम लोग कोई लाइट का सोर्स रख दें, जैसे कि हम लोग कैंडल जला दें या कोई टॉर्च जला दें, तो शीशे के इस पार से हम लोग उसको देख पाएंगे आसानी से, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया. उसके बाद जो दूसरा टाइप हमने पढ़ा वो है ओपेक. ओपेक वैसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकता हो, या वैसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते हो. तो जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसके आर पार या ना तो लाइट जाएगा और ना ही हम लोग देख पाएंगे. अब देखो ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच का भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि ना तो लाइट को पूरी तरह रोकता है और ना ही पूरी तरह से जाने देता है. यानी कि अगर इस वाले ऑब्जेक्ट की हम बात करें जिसको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट बोलेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को पार्शियली क्रॉस होने देते हैं, मतलब थोड़े थोड़े मात्रा में उस पार जाने देते हैं. और ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने रखेंगे तो हमें दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा. जैसे कि यहाँ पे पीछे से हाथ रखा है ये आदमी और इसके सामने एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इस इंसान का जो हाथ है ये थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसल्यूसेंट है. तो हमने तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट के बारे में जान लिया. अब तीनों का हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन पढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा है मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास शीट, जैसे कि ग्लास का शीट हो गया, वाटर एंड सम फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, और कुछ प्लास्टिक भी ऐसा हो सकता है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, डेट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो कि अपने से होकर लाइट को क्रॉस होने देता है, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से. ऑलमोस्ट इसीलिए लिखा है क्योंकि वो भी कुछ मात्रा में रिफ्लेक्ट करता है लेकिन पूरा लाइट लगभग चले ही जाता है उसके आर पार, आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. अब जो दूसरा डेफिनेशन है वो है ओपेक ऑब्जेक्ट का, जो कि लाइट को क्रॉस नहीं होने देगा. तो मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट लाइक अ कार्डबोर्ड पीस, जैसे एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा हो गया, वुड एंड मेटल, लकड़ी या कोई मेटल, डेट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो कि अपने से होकर लाइट को पास नहीं होने देता है, आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ओपेक बोलेंगे. तीसरा जो टाइप हमने पढ़ा वो है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ये किसको बोलेंगे, मटेरियल और ऑब्जेक्ट लाइक बटर पेपर और टिश्यू पेपर एंड ऑयल, तेल भी वैसा ऑब्जेक्ट है, डेट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, जो कि कुछ ही मात्रा में अपने से होकर लाइट को पास होने देता है, आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसल्यूसेंट बोलेंगे. यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 में लाइट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है.
अब इसका क्या मतलब हुआ हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट किया गया है उसको समझने के लिए। सबसे पहले एक कैंडल जलाना है और उसके सामने दो कार्डबोर्ड यहाँ पे रखना है। दोनों कार्डबोर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हो कि होल बनाया गया है जिससे लाइट आर पार जा सके। अगर हम लोग कुछ इस तरीके से अरेंज कर दें जिस तरीके से बुक में दिखाया गया है और हम लोग यहाँ से इसको देखना चाहें तो हमें ये लाइट जलता हुआ दिखेगा, क्योंकि लाइट जो है यहाँ से स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए हमारी आंखों तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर हम लोग कैंडल को थोड़ा छोटा कर दें, कैंडल अगर हम लोग इतना छोटा कर दें, कैंडल अगर यहाँ पे जले तो यहाँ से जो लाइट है अगर स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा तो यहाँ तक जाएगा और यहाँ से वो मुड़ेगा नहीं, वो सीधा आगे निकल जाएगा, हमारी आँख तक वो पहुँच ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस छोटे वाले कैंडल को देखना है तो हमें इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को देखते हुए यहाँ पे अपने आईज को रखना पड़ेगा, यहाँ से ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें। और एक चीज़ और अगर हम लोग करके देखें कि अगर हम लोग इस वाले होल को शिफ्ट कर दें कुछ थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे अगर हम लोग शिफ्ट कर दें तो ये जो लाइट यहाँ से निकलेगा इस होल से जाएगा और फिर नीचे चला जाएगा। तो अगर हम लोग होल को शिफ्ट कर दें कैंडल के अलावा तो हमें यहाँ पे अपने आईज को रख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है और लाइट कभी बेंड नहीं होता है बिना किसी भी रीजन के। अगर हम लोग कोई रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट रख दें जैसे कि मिरर, तभी लाइट बेंड हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से सिंपली हमें यही दिखाया गया है कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है और लाइट कभी बेंड नहीं होता है बिना मतलब का। नहीं तो हम लोग ऐसे करके अगर टॉर्च जलाते ना तो हमारा लाइट ऐसे निकलता और बिना मतलब का ऐसे घूम जाता, पता चलता कि हम लोग सामने लाइट जला रहे हैं और लाइट उधर जा रहा है। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है शेडोज। शेडो कैसे बनता है ये तो आपको पता ही होगा। जब किसी लाइट सोर्स के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, इधर लाइट सोर्स होगा कहीं पे, उसके सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट में उस ऑब्जेक्ट का शेडो बन जाता है। जैसे कि हम लोग एक कैंडल अगर जलाते हैं और उस कैंडल के सामने हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दें तो उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नीचे ज़मीन पे शेडो बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट को यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है लाइट को जाने से रोक रहा है। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते करते यहाँ पे जाना चाहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोक लेगा उसको, तो यहाँ पे रोक लेगा तो यहाँ तक तो लाइट पहुँच नहीं पाएगा और जहाँ पे लाइट पहुँच नहीं पाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और उसी डार्कनेस, उसी पैच को, डार्क पैच को हम लोग क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस डैट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में क्या होता है, वेन वी आर वॉकिंग और जॉगिंग इन द पार्क, या तो जब हम लोग वॉक कर रहे होते हैं या तो जॉगिंग कर रहे होते हैं, समथिंग कुछ ऐसा चीज होता है ऑलवेज फॉलोज एंड एकॉम्पनीज अस, जो कि हमें हमेशा फॉलो करते रहता है और हमारे साथ साथ ही चलते रहता है। क्या होता है वो चीज़, वो चीज़ भूत नहीं होता है, वो चीज़ क्या होता है, शेडो होता है हमारा। इट इज़ समटाइम्स लॉन्गर एंड समटाइम्स शॉर्टर देन अस, कभी ये हमसे बड़ा होता है कभी हमसे छोटा हो जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द थिंग डैट कीप्स ऑन एकॉम्पनिंग अस, ये क्या चीज़ होता है जो कि हमारे साथ हमेशा रहता है, ये तो शेडो होता है। वी कॉल इट एज आवर शेडो, इसको हम लोग अपना शेडो बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, अब ये शेडो कैसे फॉर्म होता है ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पर रीड कर लेते हैं बताया क्या है। वी नो डैट लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट जो है ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं जा पाता है। ओपेक क्या होता है मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। हेंस व्हेन सच ऑब्जेक्ट केम इन द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट, जब ऐसे ऑब्जेक्ट लाइट बीम के रास्ते में आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग एक टॉर्च को अगर हम लोग जला दें तो यहाँ से लाइट बीम निकलेगा, अगर इसके रास्ते में हम लोग कोई ओपेक ऑब्जेक्ट को ला दे तो क्या होगा, ये लाइट वहाँ से जाना आगे बंद कर देगा और इसके सामने अगर कोई वॉल होगा तो इस वाले ऑब्जेक्ट का शेडो यहाँ पे बनने लगेगा, डार्क यहाँ पे हमें दिखने लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, दे मेक अ डार्क रीजन ऑन द स्क्रीन केप्ड बिहाइंड हिम, और ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट के पाथ को रोक देते हैं, इसका एक डार्क पैच, डार्क शेडो यहाँ पे स्क्रीन पे, स्क्रीन क्या होता है जिसपे हम लोग शेडो को देख पाते हैं, स्क्रीन हम लोग का वॉल भी हो सकता है, स्क्रीन जमीन भी हो सकता है क्योंकि शेडो जो होता है जमीन पे भी बनता है। तो इस केस में क्या है, इधर लाइट सोर्स है, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है
और ये जो वॉल है ये क्या है, स्क्रीन है, क्योंकि इसी पे शेडो बन रहा है। इट इज दीज डार्क रीजन्स पैचेस डेट वी कॉल एज शेडो, और ये जो डार्क पैचेस बनता है इसी को हम लोग शेडो बोलते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा उस हिसाब से तीन इंपॉर्टेंट चीज है जो कि शेडो बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो चीज है वो है सोर्स ऑफ लाइट। तो सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ये टॉर्च हो गया हमारा सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद दूसरा जो चीज है एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को आगे जाने से रोक दे। तो यहाँ पे एक एमोंगस का कैरेक्टर हम लोग खड़ा कर देते हैं, ये एकदम लाइट को जाने से रोक देगा आगे। उसके बाद जो तीसरा चीज है वो है स्क्रीन, और स्क्रीन में क्या क्या हो सकता है, या तो कोई ग्राउंड हो सकता है या तो वॉल हो सकता है। तो इसके सामने हम लोग एक बड़ा सा वॉल बना देते हैं जिसपे क्या होगा, शेडो बनेगा। तो जब यहाँ से लाइट का बीम जाएगा ऐसे करके, टॉर्च का लाइट फैलता है ना, ऐसे करके फैल जाता है टॉर्च का लाइट। तो जब यहाँ से बीम जाएगा लाइट का, तो यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगा, और हमें स्क्रीन पे यहाँ पे इतना दूर तक डार्क पैच दिखेगा, क्योंकि इतना दूर का एरिया जो है ये लाइट नहीं आ पाया। और उसके अलावा यहाँ पे हमें ब्राइट दिखेगा, क्योंकि टॉर्च का लाइट जो है यहाँ तक तो जा पाएगा। तो ये जो बीच में डार्क पैच बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शेडो बोलेंगे। आगे कुछ और एग्जाम्पल भी दिया है, लिखा है शाइन अ टॉर्च ओवर अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और वुड, इट्स शेडो कैन बी सीन ऑन द अपोजिट वॉल और द ग्राउंड। अगर हम लोग एक कार्डबोर्ड पे या एक वुड पे हम लोग टॉर्च जलाएंगे तो उसका शेडो हमें ग्राउंड पे या दीवार पे दिखेगा। द फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शेडो टेल अस, शेडो का जो फॉर्मेशन होता है इससे हमें क्या पता चला, लाइट ऑर्डिनरली प्रोपोगेट्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट का प्रोपोगेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पे होता है। शेडोज आर फॉर्म्ड बिकॉज लाइट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड इज नॉट एबल टू बेंड इट्स पाथ अराउंड द लार्ज ऑब्स्टकल, और यहाँ पे शेडो इसीलिए बनता है क्योंकि लाइट जो है बेंड होके इस वाले एरिया पे नहीं जा पाता है। अगर बेंड होके इधर चले जाता लाइट तो यहाँ पे ये जो पैच बन रहा है ये पैच नहीं बन पाता और शेडो भी नहीं बनता। यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 में हमें एक और शेडो बना के दिखाया गया जिसके लिए यूज किया गया एक टॉर्च को और एक कंघी को। जब हम लोग टॉर्च को जलाएंगे और यहाँ पे सामने में एक कंघी को रखेंगे तो कंघी का जितना सारा टीथ होगा सब अलग अलग उसका शेडो बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जितना सारा टीथ है सारा टीथ ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया उसके लिए, और यहाँ पे ये लाइट सोर्स के सामने अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो लाइट तो सीधा रास्ता फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, तो यहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे एक डार्क पैच बनेगा और उसी डार्क पैच को हम लोग शेडो बोलते हैं। आगे डू यू नो में यहाँ पे लिखा है शेडोज के बारे में, शेडोज कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स, दे कैन मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद देम। मतलब शेडोज जो होते कभी कभी मिसलीड हमें कर सकते हैं, मतलब शेडो में जो कुछ हमें दिखता है एक्चुअल में वैसा नहीं भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं शेडोज से स्टोरी बना के दिखाते हैं, आप लोग देखोगे यूट्यूब पे सर्च करके शेडो आर्टिस्ट तो आपको बहुत सारे आर्टिस्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। वो सब क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे शेडोज बनाते हैं और उससे आपको एक स्टोरी बना के दिखा देंगे। तो ये एक तरह से मिसलीड हमें कर सकता है, इससे हमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं चलता है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, उसका रियल शेप क्या है, ये सब हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि यहाँ पे एक ईगल जैसा कुछ दिख रहा है, कुछ पक्षी जैसा दिख रहा है, लेकिन असली में क्या है, ये हाथ का ही एक सर्टेन पोजीशन है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द शेडोज डैट वी कैन क्रिएट विथ द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड कैन मेक अस थिंक एज इफ दे आर शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड। हमें क्या लग सकता है कि ये किसी बर्ड का शेडो है या किसी एनिमल का शेडो है, ऐसा हमें लग सकता है। तो जैसा कि हमने लाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक जाना डेट लाइट ऑलवेज फॉलोज द स्ट्रेट लाइन पाथ, वैसे यहाँ पे शेडोज का 2 कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, जिसमें कि पहला है द साइज ऑफ द शेडो ऑफ अ गिवन ओपेक ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट डैट इज एक्टिंग एज अ ऑब्स्टकल। अब देखो यहाँ पे बताया क्या गया है, शेडो का जो साइज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि लाइट का सोर्स जो है वो कहाँ पे है, और उसके अलावा लाइट ये जो ऑब्स्टकल है उसका साइज क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा। इसको हम लोग एक अगले एक्टिविटी में समझेंगे और अच्छे से। दूसरा जो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी है वो है शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ब्लैक इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेडो होगा ना हमेशा काला ही होगा, उस ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है।
अब देखो यहाँ पे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसको अच्छे से समझाया गया है एक्टिविटी नंबर 3 में। यहाँ पे इसके लिए एक बहुत अच्छा टॉर्च लिया गया है, पावरफुल टॉर्च। उसके अलावा यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का पीस लिया गया है। जब हम लोग ऐसा पोजीशन पे सबको रखेंगे, यहाँ पे टॉर्च है, यहाँ पे कार्डबोर्ड पीस है, तो एक सर्टेन हाइट का यहाँ पे उसका शेडो बनेगा। शेडो ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा ज़्यादा साइज का बनेगा, है ना। इसका हाइट इतना है तो शेडो का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली इसके नज़दीक नहीं है। ये जितना नज़दीक होगा ना उतना ही इसके साइज के बराबर शेडो होगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे हम लोग इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, मतलब यहाँ पे था ना पहले, जैसे थोड़ा सा आगे गया तो लाइट के सोर्स के नज़दीक आ गया। तो लाइट के सोर्स के जितना नज़दीक हम लोग ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे ना, शेडो का हाइट उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। इसको आप खुद से भी कर सकते हो, अपने सामने कभी एक टॉर्च जलाना, टॉर्च के सामने अपना हाथ रखना, ठीक है, हाथ जितना नज़दीक टॉर्च के लाओगे आपका शेडो दीवार पे उतना ज़्यादा बड़ा बनते जाएगा, और टॉर्च से जितना दूर अपना हाथ लेते जाओगे उतना छोटा शेडो आपका दीवार पे बनेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको आप लोग अपने मोबाइल के फ्लैश से और अपने हैंड से भी करके देख सकते हो। इससे हमें ये पता चला कि शेडो का जो हाइट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लाइट सोर्स के पोजीशन पे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट के शेप पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, उस हिसाब से उसका हाइट भी बदलेगा। यहाँ पे डू यू नो में एक पॉइंट लिखा है, इसमें बताया गया है द पोजीशन ऑफ द सन अफेक्ट्स द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ द शेडोज फॉर्म। सन का जो पोजीशन होता है उसी के कारण शेडो का पोजीशन और लेंथ भी बदलते रहता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर सन है तो इस ट्री का शेडो का जो लेंथ होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सन जैसे जैसे ऊपर जाएगा ट्री का जो लेंथ होगा शेडो का वो घटते जाएगा, और जैसे सन मिड डे के समय पूरा ऊपर चला जाएगा ट्री का जो लेंथ होगा मिनिमम हो जाएगा, पेड़ के जस्ट नीचे उसका शेडो बनेगा। दिस फेनोमेनन हैज़ बीन यूज्ड इन सन डायल, और इसी फेनोमेनन इसी प्रक्रिया के कारण हम लोग सन डायल बनाया करते थे बहुत पहले। दे आर यूज टू टेल अस टाइम ऑफ द डे, और सन डायल से हमें उस समय का पता चलता था। जैसे कि यहाँ पे सन डायल में बीच में एक ऑब्जेक्ट है और इसका शेडो बन रहा है 2 पे, इससे हमें क्या पता चल गया कि अभी 2 बज रहा है। अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब देखो इसमें सन का पोजीशन, मून का पोजीशन और अर्थ का पोजीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है। जैसे कि सोलर इक्लिप्स में होता क्या है, सोलर इक्लिप्स में सन छुप जाता है, क्योंकि सोलर का मतलब होता है सन, ठीक है, और लूनर इक्लिप्स में मून छुप जाता है, मून हमें दिखना बंद हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। अब देखो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सोलर इक्लिप्स में क्या पोजीशन होता है सन का, मून का और अर्थ का, तो आपको पता होगा कि सोलर इक्लिप्स में सन छुप जाएगा। तो सन कब छुपेगा, जब हम तो अर्थ पे रहते हैं ना, हम लोग तो अर्थ पे रहते हैं, तो अगर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तभी तो सन छुपेगा ना, और हमारे सामने कौन आ सकता है, हमारे सामने तो हमारा मून ही आ सकता है। तो जब अर्थ के और सन के बीच में मून आ जाता है ना, तो सन हमसे छुप जाता है कुछ समय के लिए, तो इसी वाले कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। और लूनर इक्लिप्स हम लोग कब बोलेंगे, जब हमारा मून ही छुप जाए। अब देखो मून हमें दिखता कैसे है, मून हमें तब दिखता है जब सन का लाइट मून पे पड़ता है और मून चमकता है, उसके बाद तब हमें यहाँ पे अर्थ पे दिखता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सन का लाइट मून तक जा ही नहीं पाए तो उस समय तो मून छुप जाएगा, और इस वाले कंडीशन को हम लोग बोलेंगे लूनर इक्लिप्स। तो सन का लाइट मून तक कब नहीं जा पाएगा, जब बीच में हमारा अर्थ आ जाएगा, उसको लाइट को रोकने वाला है कौन, हमारा अर्थ ही है ना। तो लूनर इक्लिप्स में पोजिशन क्या होगा, सन और मून के बीच में हमारा प्यारा अर्थ आ जाएगा। तो ये हो गया दोनों का पोजिशन। दोनों का पोजीशन कैसे याद रखोगे आपको मैंने बता दिया, एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर अब दे सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं और यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ अस हैव हर्ड ऑफ सोलर इक्लिप्स, जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं, एंड लूनार इक्लिप्स, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं। दीज आर नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शेडोज इन नेचर, हमारे नेचर में जो शेडो बनता है उसी का ये एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। जैसे कि सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, मून का शेडो हमारे अर्थ पे बन जाता है जिसके कारण से हम लोग सन को नहीं देख पाते हैं, और यहाँ पे लूनर इक्लिप्स में क्या होता है,
हमारे अर्थ का शैडो मून पे बनने लगता है, जिसके कारण मून चमक ही नहीं पाता है, सन का लाइट उसके पास पहुंच ही नहीं पाता है। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब मून जो है हमारे सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, इट कास्ट इट्स शैडो ऑन द अर्थ, मून जो है अपना परछाई कहाँ पे बनाने लगता है, अर्थ पे बनाने लगता है। दिस कैन ब्लॉक और पार्शली ब्लॉक आवर व्यू ऑफ द सन, इससे क्या होता है कि अगर हम लोग इस एरिया में रहेंगे तो हम लोग सूरज को नहीं देख पाएंगे, ये पार्शियली या फुली ब्लॉक कर देता है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सन का कुछ पोर्शन को हम लोग देख पाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सन को हम लोग कम्प्लीटली नहीं देख पाते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, और इसी फेनोमेनन को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। द टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स एज सीन फ्रॉम अ गिवन लोकेशन डिपेंड्स ऑन वेदर द मून इज पासिंग डायरेक्टली और ओनली पार्शियली बिटवीन द अर्थ एंड सन। सोलर इक्लिप्स का जो टाइप है, यानी कि वो फुल सोलर इक्लिप्स है या पार्शियल सोलर इक्लिप्स है, ये कम्प्लीटली इस पर डिपेंड करता है कि मून एकदम बीचों बीच जा रहा है या थोड़ा सा दूर से ही निकल जा रहा है, तो इस पर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि उसका शेडो कैसा बनता है। अ सोलर इक्लिप्स अकर्स ऑन अ न्यू मून डे, सोलर इक्लिप्स कब होता है, हमेशा न्यू मून डे के दिन होता है। न्यू मून डे का मतलब क्या हुआ, जिस दिन चांद हमें एकदम दिखाई नहीं देता है, यानी कि अमावस्या के दिन। व्हेन द सन द मून द अर्थ हैपन टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, जिस दिन कौन कौन एक सीधे में आ जाते हैं, सन मून और अर्थ एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। विद द मून कमिंग इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, और बीच में कौन आ जाता है, हमारा मून आ जाता है सन के बीच में, सन और अर्थ के बीच में। आगे यहाँ पे लिखा है वी कैन ऑल्सो हैव अ सिचुएशन वेयर द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, और ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जब अर्थ ही आ जाए हमारा सन और मून के बीच में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो मून है ना, अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते रहता है, तो कभी ऐसा होगा कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा और कभी ऐसा होगा कि सन और मून के बीच में हमारा अर्थ आ जाएगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। द अर्थ देन ब्लॉक्स द सनलाइट एंड कास्ट इट्स शेडो ऑन द मून, अब इस केस में क्या होता है कि अर्थ ही सनलाइट को रोक लेता है और मून तक लाइट को जाने ही नहीं देता है। वी देन टॉक ऑफ अ लूनर इक्लिप्स, और इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे चांद ही छुप जाता है, इसीलिए इसको हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स। दिस टाइप ऑफ इक्लिप्स अकर ऑन फुल मून डे, और ऐसा इक्लिप्स कब होगा, फुल मून डे के दिन होगा, जिस दिन हमें चांद कम्प्लीटली दिख रहा होगा। अब देखो इस केस में चंद्र ग्रहण के दिन चांद छुपने वाला होता है, तो इसको छुपने से पहले ऐसा तो होना चाहिए ना कि हमें पहले दिख रहा हो, तभी ना हम लोग को पता चलेगा कि छुपा है चांद, और नहीं तो पहले से ही अगर चांद नहीं दिख रहा हो तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि चांद छुपा, ग्रहण हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी चंद्र ग्रहण होगा ना, फुल मून डे के दिन होगा, यानी कि जब यहाँ पे चांद रहा होगा तो सन का लाइट इस पे पड़ रहा होगा और हम लोग यहाँ से इसको देख पा रहे होंगे पूरा पूरा, लेकिन जैसे ये इस एरिया में पहुँचा ये छुप गया, हाइड हो गया अचानक से, मतलब हम लोग को अचानक से दिखना बंद हो जाएगा, और इस केस में हम लोग बोलेंगे कि लूनर इक्लिप्स हुआ। तो सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून डे के दिन होता है और लूनर इक्लिप्स हमेशा फुल मून डे के दिन होता है, इसको हमेशा अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे एक वार्निंग दिया गया है सोलर और लूनर इक्लिप्स से रिलेटेड, यहाँ पे लिखा है वी शुड नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली विद द नेकेड आई ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य को डायरेक्टली ऐसे नहीं देखना चाहिए ग्रहण लगते समय, क्योंकि हमारा आँख उससे खराब हो सकता है। दिस कैन काउज वेरी सीरियस एंड परमानेंट डैमेज टू आवर आईज, मतलब हमारा आँख हमेशा के लिए भी खराब हो सकता है। There are special devices and arrangement for observing solar eclipse. बहुत सारे devices है जिसके थ्रू हम लोग सोलर इक्लिप्स देख सकते हैं, और आजकल तो YouTube पे भी लाइव टेलीकास्ट होता है उसका, तो आप YouTube पे भी देख सकते हो। We should use them and observe all relevant precaution. और हमें उन्हीं सारे devices को use करना चाहिए, क्योंकि जब सोलर इक्लिप्स होता है ना, तो समय बहुत ही खतरनाक रेज आते हैं सूरज से निकल के, और वो खतरनाक रेज हमारे आंखों को हार्म पहुंचा सकते हैं, इसीलिए ये प्रिकॉशन यहाँ पे बताया गया है। एक्टिविटी नंबर 4 में हमें बताया गया है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी सोलर और लूनर इक्लिप्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं सन के जगह पे एक टॉर्च को, हम लोग यूज़ कर सकते हैं अर्थ के जगह एक ग्लोब को, और एक टेनिस बॉल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे मून के जगह पे। और जब हम लोग उसको अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से, हम लोग एक टॉर्च को रखेंगे, उसके सामने हम लोग एक ग्लोब को रखेंगे, यहाँ पे कुछ और है लेकिन हम लोग ग्लोब को रखेंगे अर्थ के जगह पे, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेंगे जैसे कि एक टेनिस बॉल या कुछ और,
और उसको यहाँ पे रखेंगे। अब जब यहाँ पे टॉर्च हम लोग जलाएंगे ना, तो ये जो बीच में अर्थ है इसका शेडो यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। अभी थोड़ा सा शेडो यहाँ पे बन रहा है, मतलब पार्शियली इक्लिप्स हुआ है अभी। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि एक्लिप्स जो है एक्चुअल में कैसा होता होगा। इस केस में क्या हो रहा है, ये हमारा सन है, ये बीच में जो है ये हमारा अर्थ हो गया, और ये जो है छोटा वाला पोर्शन ये हमारा हो गया मून। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मून छुप रहा है, मून धीरे धीरे हाइड होने वाला है, जैसे इसको इधर बढ़ाएंगे वैसे हाइड हो जाएगा पूरा। तो ये जो पिक्चर, ये जो अरेंजमेंट है, ये है लूनर इक्लिप्स का। इसको आप देख के आराम से बता सकते हो। जब हमें सोलर इक्लिप्स करवाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को आगे में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो क्या होगा, इसका शेडो अर्थ पे बनेगा। उस केस में क्या हो जाएगा, सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि लूनर इक्लिप्स को दिखाने के लिए हम लोग सन और मून के बीच में ऐसे अर्थ को ला देंगे, और सोलर इक्लिप्स दिखाने के लिए सन और अर्थ के बीच में हम लोग मून को ला देंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट का फोटो है, अगर आपके स्कूल में भी प्रोजेक्ट मांगा जाए तो आप भी कुछ ऐसा बना सकते हो। तो इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग का 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आने वाले सेकेंड पार्ट में हम लोग ये 3 टॉपिक कवर कर लेंगे, जिसमें कि बचा हुआ है पिनहोल कैमरा, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बचा हुआ है, और इमेज और शेडो में जो डिफरेंस है वो बचा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन तीनों टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप जितना टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाएं तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले पोर्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।